अभी मैं बताने वाला हूँ आपको बहुत समरी में कि पीआरपी इंजेक्शन क्या होता है, कैसे लगाते हैं और कैसे काम करता है। तो इसमें आपका ब्लड निकाला जाता है थोड़ा सा, और उसे हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं। सेंट्रीफ्यूज के बाद उसमें से प्लेटलेट्स अलग हो जाते हैं। इन प्लेटलेट्स को हम एक इंजेक्शन में भरते हैं, और फिर इस इंजेक्शन से आपके स्कैल्प में जगह जगह पे कई पॉइंट्स पे हम इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर होता है। ब्लड में इनका काम होता है कि कहीं भी डैमेज हो रहा हो वहाँ जाना और हीलिंग कराना। तो ये जब स्कैल्प में पहुँचते हैं हेयर रूट्स के पास, तो वहाँ पर ये ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, तो जो बाल की जड़ें वो स्टिमुलेट हो जाती हैं और ज़्यादा तेज़ी से बाल बनाने लगती हैं। तो ग्रोथ जो है वो जितनी दवाइयों से होनी थी उसकी तुलना में ज़्यादा होने लगती है। तो प्लेटलेट इंजेक्शन प्लस मेडिसिन लेने से सिर्फ मेडिसिन लेने की तुलना में ज़्यादा फायदा होता है। इसे बोलते हैं पीआरपी इंजेक्शन। इसका फुल फॉर्म होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, क्योंकि दरअसल जो हम लिक्विड लगा रहे हैं उसमें बाकी सेल्स नहीं है, सिर्फ प्लेटलेट है, इसलिए बोलते हैं इसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो ये पीआरपी इंजेक्शन के लिए डॉक्टर तैलंग क्लिनिक विजिट कीजिए, हम लोग बताएंगे कि ये कैसे होगा। इसके कई सेशंस करने होते हैं, आप 15 दिन से 30 दिन में सेशंस ले सकते हैं, 6 से 8 सेशंस लेते हैं, 3-4 बार में आपको थोड़ा फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है। तो अगर 1 महीने में 1 सेशन लेते हैं तो 3 महीने में आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है। चिल्लों के बहुत रेजिस्टेंट स्कैल्प होता है, दवाइयाँ लेने के बाद भी असर नहीं दिख रहा होता, उनके लिए बहुत अच्छा होता है पीआरपी इंजेक्शन। इसके अलावा एक स्पेशल ट्रीटमेंट भी हम लोग करते हैं, जिसे ओटी बोलते हैं, जो स्कैल्प इन्फेक्शन के लिए होता है। बहुत ज़्यादा अगर इन्फेक्शन है और पोर्स ब्लॉक्ड हैं तो जब तक ये खुलेंगे नहीं, दवाइयाँ भी अंदर नहीं जाएंगी और ग्रोथ भी नहीं होगी। तो ओटी हम लोग करते हैं इसके लिए कि पोर्स ओपन हो जाए और बालों की ग्रोथ फास्ट हो। प्लस मेडिसिन्स होती हैं, खाने की टैबलेट्स होती हैं, और ये टैबलेट्स कई तरह की होती हैं और इनके काम करने के मैकेनिज्म भी अलग अलग होते हैं। तो हम लोग रोटेट करते हैं टैबलेट्स को, कुछ महीने एक तरह की टैबलेट्स खानी है, फिर कुछ महीने दूसरी तरह, ताकि हर तरीके से फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा लोशंस होते हैं, हेयर सीरम, तो वो भी हम लोग दो डिफरेंट सीरम यूज़ करते हैं। एक तो मिनोक्सिडिल होता है, कभी कभी मिनोक्सिडिल नहीं होता है, तो दो डिफरेंट टाइप के और दूसरे सीरम्स होते हैं, और इनके कॉम्बिनेशन से, इनमें से कुछ वासोडायलेटर होते हैं जो कि ब्लड फ्लो बढ़ाएंगे, कुछ ग्रोथ स्टिमुलेटर्स होते हैं, और एक चीज़ हम यूज़ करते हैं वो है मेडिकेटेड शैम्पू, क्योंकि जो यीस्ट इन्फेक्शन होता है स्कैल्प में, ये भी डिस्टर्ब करता है बालों की ग्रोथ को। तो एक हम लोग मेडिकेटेड शैम्पू भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट, जैसे कि प्रोटीन, अगर प्रोटीन ज़्यादा लिया जाए तो ग्रोथ फास्ट होती है, तो हम लोग प्रो50 यूज़ करते हैं। इसमें 55% प्रोटीन है, और मार्केट में कोई भी ऐसा प्रोटीन पाउडर नहीं होता जिसमें कि 55% प्रोटीन हो, यहाँ तक कि वे में भी सिर्फ 50 ही होता है, और ये सोया प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन वैसे भी बालों के लिए अच्छा होता है, तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं सोया प्रोटीन जो कि 50% है, प्रो50। तो बालों के ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट टाइप के टैबलेट्स हैं, हेयर सीरम है, शैम्पू हैं, ऑयल कभी कभी देते हैं, कभी कभी नहीं भी देते हैं, क्योंकि ऑयल ज़्यादा आप लगाएंगे तो दवाइयाँ अंदर नहीं जाएंगी, तो हम लोग ऑयल को अवॉइड करते हैं। पर कुछ लोगों में ड्राइनेस की वजह से ऊपर ऊपर से स्कैल्प में ऑयल लगाने के लिए भी देते हैं। फिर शैम्पू होते हैं, मेडिकेटेड शैम्पू, और सप्लीमेंट होते हैं। इस दवा के अलावा स्पेशल ट्रीटमेंट में पीआरपी और ओटी ट्रीटमेंट्स होते हैं। एक लो लेवल लेज़र होता है, इसके अलावा एक लेवट्रॉन होता है जो कि ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है अंदर रेडियो वेव्स के ज़रिए। तो ये सब अलग अलग मोडेलिटीज़ हैं। कुछ सेंटर्स पे ओजोन भी यूज़ किया जाता है स्कैल्प में जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको कम करने के लिए। तो डॉक्टर तैलंग क्लिनिक में आइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत दिन आपने दवा की और फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, ये हम पता करते हैं कोई स्पेशल डिफिशियंसी या कोई स्पेशल हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर लास्ट और ऑप्शन है आपका हेयर ट्रांसप्लांट का, कि अगर बाल बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो हम लोग FUE करते हैं, पीछे से बाल निकालेंगे आपके और आगे की जगह में लगा देंगे। तो वो पीछे वाले हमारे हार्मोन सेंसिटिव नहीं होते, वो जल्दी जाते नहीं हैं, जब उन्हें आगे लगाया जाएगा तो आगे भी वो हमेशा ग्रो करेंगे। तो हेयर ट्रांसप्लांट में पीछे के हेयर आगे लगा दिए जाते हैं और वो सालों साल तक वैसे ही बने रहते हैं, आगे से हेयर लाइन अच्छी आती है, अपीयरेंस इंप्रूव हो जाता है। तो ये बालों का ट्रीटमेंट मैंने पूरा समराइज़ कर दिया, कैसे दवाइयाँ और स्पेशल ट्रीटमेंट्स होते हैं। और ज़्यादा जानने के लिए हमारे यहाँ